और जो लोग इसमें बहुत मिस्टेक्स करते हैं उसके लिए भी। और फर्स्ट एक्सरसाइज में स्टार्ट करूँगा लोगों के रोज से, इसमें आपको प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन में कैसे वर्कआउट करना है और कैसे इसे परफॉर्म करना है, कितना स्ट्रेच करना है, कितना कॉन्ट्रैक्ट करना है और कितने रेपिटेशन करना है। जब भी आप इसे पीछे खींचते हो तो आपके दोनों एल्बोज क्लोज होनी चाहिए आपके लैट्स के साथ, और ये जब भी आगे तो आपके नेवल्स तक आएगा, आपको पीछे लाकर 1 सेकंड होल्ड करना है फिर स्ट्रेच करना है। बहुत से लोग इसे इस तरीके से करते हैं, ओवर स्ट्रेच करते हैं और पीछे भी होते हैं, ऐसे नहीं करना। आपको बेसिकली स्ट्रेच आएगा तो आपके एल्बोज क्लोज रहेंगे और प्रॉपर होल्ड करना 1 सेकंड ब्रीद आउट के साथ, ब्रीद इन होल्ड ऑन ब्रीद आउट दैन स्ट्रेच 1 सेकंड होल्ड फिर ब्रीद आउट। और आपके एक्सरसाइज है आपके बैक डेफिनेशन के लिए और वाइडर बैक के लिए, पीछे ला के आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है 1 सेकंड। सेकंड एक्सरसाइज बताऊँगा आपको कर्ल के बाबल रोज, जो बहुत से लोग टीबा रोज पे या बारबल पे एक्सरसाइज गलत करते हैं, वो केबल पे एक्सरसाइज को करें और काफ़ी अच्छे तरीके से आप केबल पे इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। और बेसिकली आपको कैसे परफॉर्म करना है मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रेट या ज़िगज़ैग आप ले सकते हो। जब भी आप बैंडों को बाबल रोज करते हैं आपको पहले स्ट्रेट करना है, फाइव डिग्री बैंड करना है, चेस्ट आउट करना है, उसके बाद 1 सेकंड एल्बोज सेम वैसे जो हम लोग विंडोज में कर देते हैं, पीछे 1 सेकंड फॉरवर्ड करना है, ये 10 से 12 रेपिटेशन या 8 से 12 रेपिटेशन कर सकते हो। और ज़्यादा हैवी वेट पे नहीं जाना है, कम वेट पे आप अच्छे रेपिटेशन के साथ वर्कआउट कर सकते हो। और जब भी आप गोइंग करते हो तो आपकी जो रोज है स्ट्रेट होनी चाहिए। एक्सरसाइज में बताने वाला हूँ आपको वन आर्म डंबल रोज आपको कैसे करना है, राइट वे बताऊँगा। ज़्यादा हैवी वेट से नहीं करना, राइट वेट से राइट परफॉर्म करना है आपको। और आप इसे बेंच में भी कर सकते हो, प्लेन बेंच में या नॉर्मली भी कर सकते हो। इसमें बेसिकली जैसे आप दोनों पैर पीछे भी रख सकते हो, 1 लेग को आउट भी रख सकते हो, चेस्ट आउट रखना है और डंबल आपका पीछे हिप तक आएगा फिर ये स्ट्रेच होगा, पीछे हिप तक आएगा स्ट्रेच होगा। लोग क्या करते हैं ये करते हैं, बेसिकली इसमें आपके लैट्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, आपकी लोअर लैट्स इन्वॉल्व नहीं हो पाती हैं और आपके शोल्डर ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको हल्का सा स्ट्रेच लेके बैक साइड को करना है, फिर स्ट्रेच लेके बैक साइड को करना है। और इसमें हम 8 से 12 या 8 से 10 रेपिटेशन करते हो। अब मेन मैक्सिमम आपका अगर 50 किलो बॉडी वेट है तो आप कम से कम 25 किलो के डंबल से रोइंग कर रहे हो, आप इतने वेट ले सकते हो कि 25 से 30 kg के डंबल से आप रोइंग कर सकते हो। और काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है आपके बैक को वी शेप देने के लिए, और ये टॉप 3 एक्सरसाइज थी मेरी बेसिकली, जो लोग गलत करते हैं इस एक्सरसाइज को और आई टेक्निक में इस एक्सरसाइज को करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डू लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल बी एस फिटनेस। और फिटनेस से रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।